हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम बे। बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट, एक बड़ी गुड न्यूज़ है। फ्लैगशिप एग्जाम एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एसबीआई पीओ 2019 का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है और 2 अप्रैल से 22 अप्रैल तक आपका एप्लीकेशन प्रोसेस चलेगा। ओके, सो कल से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 20 डेज, यू हैव 20 डेज। तो इस पूरे नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स हम इसमें देख लेते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको एसबीआई की जो वेबसाइट है, एसबीआई की वेबसाइट पे आप करियर्स में जाएंगे, करियर सेक्शन आपको मिलेगा। वहाँ पे आपको यहाँ इस विंडो में, आपके राइट हैंड साइड पे विंडो आएगी, वहाँ पे आपको इजीली इस चीज़ के बारे में मिल जाएगा। देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अप्लाई फ्रॉम 2nd of April टू 22nd of April। यहाँ पे आप जाएंगे, सो दिस इज द लिंक टू फॉर इंग्लिश वर्जन ऑफ योर नोटिफिकेशन, और ये अप्लाई ऑनलाइन का। बट उससे पहले हम मोटी मोटी जो इसमें बातें हैं वो देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका 2nd से 22nd तक एप्लीकेशन है, पेमेंट ऑफ फी, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्रीलिमिनरी 3rd week of May, और प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, 8th और 9th June, 15th और 16th June। इन 2 वीक्स में ये एग्जाम सैटरडे और संडे ही पढ़ेंगे इन डेट्स पर, तब ये एग्जाम होगा। उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा आपका, ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए विद इन 15-20 डेज में आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो SBI इज वेरी फास्ट एज फार एज देयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कंसर्न, बहुत ही फास्ट रिजल्ट्स आता है। ठीक है, तो अगर आपको डीले नहीं चाहिए, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स का एक मोस्टली एग्जाम्स का एक होता है प्रोसेस, बहुत डीले होता है, तो आप बैंकिंग एग्जाम्स में जाइए। और बैंकिंग एग्जाम्स में भी स्पेशली जो SBI के एग्जाम्स होते हैं, बहुत तेज़ आपका प्रोसेस इसमें चलता है। ओके, फिर कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन 20th of July। ओके, फिर रिजल्ट 3rd week of August में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऑलमोस्ट 1 महीने बाद आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू की भी डेट इसमें दी हुआ है, पूरा जो मंथ दी हुआ है, क्योंकि मल्टीपल डेट्स में इंटरव्यू होगा। September 2019 में इसका इंटरव्यू होगा। ग्रुप एक्सरसाइजेस में आपका ग्रुप डिस्कशन इसमें हो सकता है। ठीक है, और डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट अक्टूबर में। सो जून में एग्जाम एंड अक्टूबर में रिजल्ट, एंड प्रोबेबली आपका दिसंबर में या नवंबर लास्ट में आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। सो दिस इज हाउ फास्ट द प्रोसेस कैन बी, राइट। सो वैकेंसीज देख लेते हैं। वैकेंसीज टोटल 2000 वैकेंसीज, 2000 वैकेंसीज इसमें आई हैं। जनरल के लिए 810 वैकेंसीज हैं, फिर जनरल में EWS कैटेगरी के लिए 200 वैकेंसीज हैं, उसके बाद ही आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है, OBSC ST और PWD की जो भी वैकेंसीज इसमें है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज ऑन 31st of August 2019 आपका एलिजिबिलिटी की कट ऑफ डेट है, जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं। सॉरी, तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, दोज हु आर इन फाइनल ईयर मे ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली टू द कंडीशन If they are called for the interview, they have to produce proof of having passed the graduation on or before 31st of August 2019. तो 31 अगस्त 2019 तक आपको अपने दिखाना होगा पास करने का सर्टिफिकेट या कोई भी प्रूफ। ये कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आपका इसमें दिया हुआ है, तो आपका अगर 55 मांगे तो 55 होना चाहिए, 59.99 भी है तो वो आपका कम, 60 से कम, या 54.99 अगर 55 से कम माना जाएगा, तो ये बहुत से एस्पिरेंट्स की क्वेरी आती है, ये उनके लिए पॉइंट है। एज लिमिट 21 to 30 years, सिंपल आपका, और ये रिलैक्सेशंस हैं इसमें। रिजर्वेशंस जो PWD कैंडिडेट्स हैं, डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स, उनके लिए सारी दी हुई हैं। जो भी रिलैक्सेशंस हैं, जो भी कंडीशंस हैं, वो आप इसमें से पढ़ सकते हो। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, इश्यू है, तो आप इसमें से पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये कैटेगरी, सॉरी, हाँ जी, तो ये इसमें कैटेगरी आ जाता है, सारा कैटेगरी कोड वगैरह आ जाता है।
डिसेबिलिटीज़ वगैरह के लिए, और जो भी आपका एससी के लिए 01, एसटी के लिए 06, ओबीसी के लिए 11, इस तरीके से। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो प्रीलिमिनरी एग्जाम में आपका 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस और 1 घंटे का टेस्ट होगा, जो एसबीआई का भी फॉर्मूला चल रहा है, जो प्रोसेस, जो फॉर्मेट चल रहा है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी होगी। ठीक है, 20-20 मिनट्स का आपका सेक्शनल ड्यूरेशन होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको 20 मिनट ही मिलेंगे हर सेक्शन के लिए, उसके बाद आपको दूसरे सेक्शन पे मूव करना होगा। फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया, आपके 10 टाइम्स जो भी वैकेंसी है, 2000 है तो 20,000 जो लोग हैं वो आपके मेन्स स्टेज में जाएंगे, तो इस हिसाब से कट ऑफ बनेगी। अब मेन्स में क्या है, आपका 155 क्वेश्चंस होंगे, 200 नंबर का मेन्स होगा, 3 घंटे की ड्यूरेशन होगी, जिसमें रीजनिंग होगी, डेटा एनालिसिस, बेसिकली आपका डेटा एनालिसिस मीन्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बट मोस्टली जो उनका फोकस होगा वो कैलकुलेशंस और डेटा इंटरप्रिटेशन पे होगा। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा, 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स कहेंगे, मेक और ब्रेक फॉर यू नो योर रैंक, और उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज, फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, 30 मिनट्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जिसमें आपका लेटर राइटिंग और एसे होगा। ठीक है, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में दिए हुआ है, अच्छा उससे पहले अपना पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर दिए हुआ है, 1/4 मार्क की पेनल्टी आपकी होगी। ठीक है, इंटरव्यू के लिए आपके 3 टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, 20,000 में से 14,000 निकाल के 6,000 आपके इंटरव्यू वाली स्टेज में पहुंचेंगे। फाइनल एग्जामिनेशन, फाइनल सिलेक्शन के लिए दिए हुआ है, मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन मेन एग्जामिनेशन, तो प्रीलिमिनरी सिर्फ प्रीलिमिनरी मेंस में पहुंचाने के लिए, उसके मार्क्स आपके कैलकुलेट नहीं होंगे फिर फाइनल रिजल्ट में। 250 मार्क्स विल बी कन्वर्टेड टू 100 मार्क्स, तो इस तरीके की कुछ स्केलिंग होगी। 75 मार्क्स होंगे मेन एग्जामिनेशन के लिए, 25 मार्क्स ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू होगा। ओके, फिर ये एग्जामिनेशन सेंटर, इमोल्यूमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या मिलेगा, क्या पे और पर्क्स होंगे आपकी, तो स्टार्टिंग बेसिक पे जो होगी वो होगी 27,620 रुपीज विद 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स। सो अगर आप नॉर्मल किसी बैंक के पीओ एज अ पीओ ज्वाइन करते तो आपको 23,000 समथिंग मिलती है, 23,700 रुपीज मिलती है, इसमें 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। एसबीआई में अगर आप एज अ पीओ ज्वाइन करते हो तो आपकी ऑब्वियसली ज़्यादा सैलरी होती है, तो ये हर साल रिवाइज होती है। मिनिमम सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी जो पड़ता है एसबीआई को, मिनिमम इस बार 8.2 लैक्स और मैक्सिमम 13.08 लैक्स है, जो कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो 13.0 जो मैक्सिमम होता है मेनली आपको मुंबई में मिलता है, क्योंकि वहाँ पे अकोमोडेशन थोड़ा कॉस्टली, तो अकोमोडेशन आपको पर मंथ हाउस के लिए अगर आप रेंट पे लेते हो उसके लिए आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, रेंट आपका ज़्यादा मिलता है, 30,000 के आसपास ये होता है। उसके अलावा आप अगर जो ज्वाइन करते हो तो आपको बॉन्ड देना पड़ेगा 2 लाख रुपए का, जो कि 3 साल का होगा, 3 साल आपको मिनिमम सर्व करना होगा। ठीक है, तो होता क्या है, आप एज अ पीओ ज्वाइन करते हो बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं बैंक्स में। ठीक है, आपका जैप कैब होता है, उसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, ट्रेजरी बैंकिंग में हो गया, म्यूचुअल फंड्स में हो गया, क्रेडिट में, उसके अलावा आपके शेयर मार्केट्स के बहुत अलग अलग तरीके के सर्टिफिकेशंस होते हैं। आप सर्टिफिकेशंस को पास करते हो आपको कुछ मॉनेटरी रिवॉर्ड मिलता है, आपके प्रमोशंस में वो चीज़ आपको हेल्प करती है, हर काफ़ी तरीके से हेल्प करती है, आपको नॉलेज मिलती है, सबसे बड़ी बात ये होती है, और आपके क्रेडेंशियल्स मिलते हैं। तो जो भी लोग बैंकिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप आगे जाके MBA करना चाहते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से और बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इवन इन प्राइवेट बैंकिंग एक अपना अच्छा फ्यूचर देखना चाहते हो बैंकिंग इंडस्ट्री या फिनेंस इंडस्ट्री में, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मैं कहूँगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको मुश्किल होगी, आपकी हो सकता है रूरल या सेमी रूरल पोस्टिंग हो, आपसे मे बी कैश हैंडलिंग का काम करवाया, काफ़ी किसी भी तरीके का काम करवाया जा सकता है, बट स्टार्टिंग में ये आप ये समझ लो तपस्या करके आप कर लोगे, आप इंटरेस्टेड हो तो फ्यूचर बहुत अच्छा है। ठीक है, मोस्टली लोग स्टार्टिंग में ही छोड़ देते हैं दूसरी जॉब्स के लिए, बट आई थिंक अगर आप एक इनिशियल फेज को छोड़ देते हो, थोड़ा सा इसमें है थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है स्टार्टिंग में, ट्रांसफर्स वगैरह का भी होता है, वो आप लगा लेते हो और फिर अपना एक गोल रखते हो, MBA की तैयारी करते हो या प्राइवेट में जाना आपका मोटिव है, बहुत अच्छी पे मिलती है वहाँ पे भी, तो बहुत ही अच्छा है आई थिंक। ठीक है, अब एप्लीकेशन फ़ी, जनरल
EWS OBC के लिए ₹750 और SC ST PWD के लिए ₹125 एप्लीकेशन फ़ी है, ठीक है। उसके बाद आपके नंबर ऑफ़ चांसेस दिए हुआ है, किस कैटेगरी के लिए कितना नंबर ऑफ़ चांसेस है, हाउ टू अप्लाई, ये आप पढ़ ही सकते हैं, जो भी एप्लीकेशन के इसमें गाइडलाइंस हैं, ठीक है। इसे पढ़ने के बाद ही अप्लाई करिए, थोड़ा सा इसमें टाइम दीजिए पढ़ने के लिए, 10-15 मिनट, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। तो यही कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली इसमें चीज़ें हैं। करियर बहुत अच्छा है, SBI में आपको मौका मिल रहा है, बहुत ही बड़ा ये ब्रांड है SBI का, ठीक है। तो आई वुड से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ड्रीम्स ऑफ लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स, ठीक है। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप तैयारी अच्छे से करोगे, अच्छी टेस्ट सीरीज दोगे, अच्छे से तैयारी करोगे, तो आपका सिलेक्शन ईजिली होगा। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू।